विरोधी आपको हमेशा परेशान करते हैं, मानसिक और चर्म रोग से आप पीड़ित हैं, पैसों का नुकसान बार बार हो रहा है, तो आपको किस पेड़ की जड़ को धारण करना चाहिए ये बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है? देखो भैया, सही बात तो ये है कि अश्वगंधा की जड़ का संबंध केतु ग्रह से है, और केतु ग्रह जो है वैसे तो केतु को मोक्ष देने वाला ग्रह माना गया है। अगर ये जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभग्रह की राशि में हो तो ये व्यक्ति को मोक्ष देता है, बड़ी भारी बात है। केतु राहु की तरह पाप प्रभाव नहीं देता है, बल्कि ये सुप्रभाव भी देता है। लेकिन केतु अगर बुरा हो जाए तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी केतु ही देता है, मस्तिष्क में पानी भर जाए और आदमी विकलांग की अवस्था में पहुंच जाए, आंखों की रोशनी गायब हो जाए, इसके पीछे भी केतु ही होता है। तो केतु को धन, सेहत, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का ग्रह माना गया है। जिन लोगों पर केतु के बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं या केतु की महादशा चल रही है, उन्हें अपने दाहिनी बाजू पर अश्वगंधा की जड़ बांधनी चाहिए, और वो भी नीले रंग के धागे में। इससे रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को बार बार चर्म रोग, मानसिक रोग या संक्रमण से जुड़े रोग होते हैं, उन लोगों को अश्वगंधा की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। अब मैं अश्वगंधा की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अश्वगंधा की जड़ पंसारी की दुकान से आप खरीद कर लाएं, बुधवार के दिन उसे आप लाएं, और बुधवार के ही दिन उसे आप नीले रंग धागे में बांध करके गंगा जल से धो करके पूरब दिशा में मुंह करके दाहिने हाथ पर ओम केंग केतवे नमः का 108 बार मंत्र जप करते हुए आप उसे काले या नीले धागे में बांध करके या काले या नीले कपड़े में लपेट करके अपनी भुजा पर बांध लें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लोहे का बर्तन और सरसों का तेल, लहसुनिया रत्न अगर धारण नहीं कर सकते हैं तो अश्वगंधा की जड़ बांधने से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।